हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट को डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज फूड, व्हाट इज बैलेंस डाइट, कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस डाइट में होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एक्सेस लेते हैं, अगर इसका जो न्यूट्रंस है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसका हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर को करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जो फूड क्या है, आपको पता हमारी बेसिक नेसेसरी है, और विदाउट फूड है हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। और हमें फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ताकि हम अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है उसे हम कर पाए। और ये हमारा फूड जो हमें किससे बचाता है, डिसीज़ से, बीमारियों से ही बचाता है। फूड को क्या कहते हैं, वो सारे ईटेबल जो हम डेली खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। फूड क्या करता है, हमारे टूटे फूटे जो सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करता है, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर देता है, और हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिसीजेज से। अब न्यूट्रिशियस फूड्स कौन से होते हैं, जो न्यूट्रेंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये जो द फूड विच कंटेन न्यूट्रिएंट उसे हम न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं। न्यूट्रिशियस फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ और करेक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट मीन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। इन दिस वे इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं। वाइल चूजिंग फूड वो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी में और कितनी हमारे पास कितनी क्वांटिटी में हम फूड खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज हमें उससे ऑब्टेन हो रही है। समटाइम ये होते हैं कि हम सेम कुछ पर्सनस क्या होते हैं, सेम टाइप का फूड क्या करते हैं, डेली खाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कुछ न्यूट्रंस की ज़्यादा एक्सेस हो जाती है और कुछ न्यूट्रंस की डेफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उनका जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाती है। इसलिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी चाहिए अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब बैलेंस डाइट है, ये नहीं है कि सभी पर्सन के लिए जो बैलेंस डाइट है वो सेम होती है, डिफरेंट पर्सन की बॉडी के लिए डिफरेंट बैलेंस डाइट होती है। ये हमारे एज पे, हमारे जेंडर पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे साइज पे, ठीक है, एंड द फंक्शन और फंक्शन ऑफ अ पर्सन के, पर्सन किस काम तरह का काम करता है उस पर डिपेंड होती है। फर्स्ट इज एज, ठीक है, क्वान्टिटी ऑफ बैलेंस डाइट है हमारे हमारी एज पर भी डिपेंडेंट होती है। जो चाइल्ड है वो क्या होता है, जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसके लिए हमें, इसलिए उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है, एज कंपेरिजन टू द पर्सन जो कि मिडिल एज है या एज पर्सन है, क्योंकि वो लेस क्या करता है, एक्टिविटी करता है। सेकंड इज बॉडी साइज, देखो जो थिन एंड स्लिम पर्सन होते हैं उन्हें लेस बैलेंस डाइट के लिए चाहिए होती है एज कंपैरिजन टू द फैट मैन। सिमिलरली जो टाल मैन होते हैं उनसे ज़्यादा क्वांटिटी की बैलेंस डाइट होती है एज कंपैरिजन टू द शॉर्ट मैन। नाउ बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन मीन्स आप किस टाइप का वर्क करते हो, आप कितना फिजिकल वर्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल है जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके कारण उन्हें मोर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन टू डॉक्टर या जो लोग हैं जो स्टैटिक वर्क्स करते हैं, ठीक है। नाउ इस जेंडर, देखो जेंडर भी हमारे बैलेंस डाइट पर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल है ये कंसीडर किया जाता है कि जो मैन आर स्ट्रॉन्गर देन द वुमेन फिजिकली, ठीक है, इसलिए वो हार्डर टास्क करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट चाहिए होती है एज कंपेरिजन टू द वुमेन। नाउ एटमॉस्फेयर की, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल है जो पर्सन है कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनकी जो मसले हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड होती रहती है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जिसकी ओर सिकुड़ती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट में सुकड़ना और एक्सपैंड में फैलना, जिसके कारण क्या होता है उन्हें अनप्रोसेस, जिसके कारण क्या होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे फूड चाहिए होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और एनर्जी होती है। एज़ कंपेरिजन टू द पर्सन जो कि वार्म एरिया में रहते हैं, उन्हें कम फैट्स एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन स्पेशल कंडीशन, देखो जो
प्रेग्नेंट वूमेंस होती है और जो मदर फीडिंग देयर चाइल्ड है, जो मदर है जो अपने चाइल्ड को फीड करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट चाहिए होती है क्योंकि उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं एज़ कंपेरिजन टू द अनदर वूमेन। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट क्वान्टिटी का बैलेंस डाइट चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रेंट है जो कि एक बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या होता है, इट इज़ द कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट किस में होता है, ओनली इन द प्रोटीन, देयरफॉर इसे हम नाइट्रोजियस प्रोटीन भी कहते हैं, फूड भी कहते हैं। प्रोटीन टू टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमल प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से मिलता है, सेकंड इज प्लांट प्रोटीन जो हमें प्लांट पौधों से मिलता है। फर्स्ट है एनिमल प्रोटीन जो कि हम एनिमल्स में है, जिसके यहाँ जिसमें कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, मटन से, हमें एग से, हमें मिल्क से, कर्ड से, चीज़ से, एंड जो प्रोडक्ट है जो मिल्क से बने होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, एनिमल प्रोटीन मिलता है। नाउ प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन हमें किससे मिलता है, हमें सीरियल्स, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन चिलीज, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट बतानी है आपने कितनी क्वांटिटी में आपने लेना है। अगर एक पर्सन की बात करें जो कि प्रोटीन है हमारे टूटे फूटे सेल्स की बनावट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें 50-70 ग्राम हर रोज एक इंडिविजुअल नॉर्मल ह्यूमन बींग को प्रोटीन लेना चाहिए। अब फंक्शन क्या, हमने पहले पढ़ा है, ये हमारे न्यू सेल्स के फॉर्मेशन करता है, रिपेयर करता है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे नेल्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारी स्किन को शाइनी बनाता है। ठीक है, अगर हम रिस्क की बात करें, अगर हमारे में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी मसल्स की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती, हम फिजिकली और मेंटली हमारी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, वीकन होता है। हार्म ऑफ एक्सेस, अभी हमने पढ़ा था इसकी कमी, अगर हम नहीं लेते, डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सेस की, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन ले लेते हैं तो उसका क्या हानिकारक है, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, जिसके कारण हमारी लीवर, अगर हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारी लीवर एंड किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी ज्वाइंट प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका कंपोस्ट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और ये क्या है, ईजिली अवेलेबल फूड है, इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ शुगर, ये कहाँ कहाँ मिलता है, हमें जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, शुगर से, हनी से, फ्रूट जूस से, केन से, गन्ने जिसे हम गन्ना कहते हैं, डेट से, ड्राई फ्रूट से, बनाना से एंड मैंगो से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट हमें किससे मिलता है, शॉर्गम, मेज, बाली, राइस, मिलेट एंड पोटैटो में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन सेलुलोज जिसे हम फाइबर फूड भी कहते हैं, रफेज मीन्स चारा भी कहते हैं, चारा कहते हैं जिसे हम, ये क्या होता है, ये हमारे शरीर को एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करता और जब हमारे शरीर से एक्सीट होकर निकलता है, बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, सेम ही वैसे ही निकलता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है हमारे शरीर में मलत्याग करने में हेल्प करता है और ये क्या करता है, ये जो एक्सीशन है, दे हेल्प टू पास आउट द एक्सीशन है, ये ऑब्जर्व करता है फूड को, मतलब कि वाटर को फूड में से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ऐड क्या करता है, वेस्टेज निकालने में हेल्प करता है, ये रफेज का जो वर्क है। ठीक है, नाउ इस सोर्स के हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ये चीज़ें, तो फाइबर रिच फूड्स के, जिसमें फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, रेडिश, फ्रूट्स, टर्निप, कैरेट, ककम्बर, सैलड एंड वेजिटेबल्स, इन सभी से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, फाइबर फूड्स मिलते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट की बात करें, हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो एक नॉर्मल पर्सन को 400-700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम डाइटिक पर्सन है, जैसे डायबिटिक पर्सन है जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, वो 90-110 ग्राम ही लेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में शुगर के ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उन्हें लेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब हम फंक्शंस की बात करें, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं और ये चीपर होते हैं फास्ट एज़ कम्पेरिजन टू फैट, इसलिए जो नॉर्मल एक आम इंसान है इसे भी अफोर्ड कर सकता है। अब हम रिस्क ऑफ, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होता है, तो डेफिशिएंसी रिटार्डेड द एक्टिविटी ऑफ बॉडी, हमारी एक्टिव बॉडीज की जो कार्य है वो अच्छे से नहीं कर पाते, हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, हमारे जो स्किन पे रिंकल्स आने लग जाते हैं। अब ज़्यादा एक्सेस लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें मोटापा आ जाता है, हमारी मसल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है और हमारी क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारा फूड। नाउ नेक्स्ट इज फैट।
फैट की बात करें तो फैट मोस्टली प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये टू टाइप का होता है, एक एनिमल फैट एक प्लांट फैट। एनिमल फैट मीन्स जो हमें मिल्क से, कर्ड से, घी से, मटन से, फिश ऑयल से, एग से, रिवर से एंड बटर से जो मिलता है। अब हम प्लांट फैट की बात करें तो हमें ग्राउंड नट्स, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, सनफ्लावर सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स से ये मिलता है। रिकमेंड की बात करें कि एक पर्सन को, एक एवरेज पर्सन को एक दिन में कितना फैट लेना चाहिए, तो 50 to 70 ग्राम लेना चाहिए। फंक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी को हीट देता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर को, प्रोवाइड करता है वाइटल ऑर्गेनिज्म को, प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोविटामिन्स को, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स की बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण द डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होती है उनकी कमी हो जाती है इसके कारण। और जो लोग और जो पर्सन है वो क्या हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें ओबेसिटी मींस मोटापा आ जाता है, हमारा डैमेज हो जाता है हार्ट, हमारी किडनी और ब्रेन, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिंस। विटामिंस क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो विटामिन चैप्टर नंबर जो 3 है वो विटामिन से रिलेटेड ही है, तो उस चैप्टर में हम विटामिंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, जिसमें फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, सल्फर एट्सेट्रा। ये हमें क्या करते हैं, हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगेन ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड सल्फर, ठीक है। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए थे, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें ग्रीनी वेजिटेबल से मिलते हैं, स्पेनिश से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, सोयाबीन वगैरह से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, एक एवरेज पर्सन को 10 to 15 ग्राम्स डेली मिनरल्स अपने डाइट में लेना चाहिए। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, हमारे दांतों को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को मजबूत करवाता है, न्यू टिश्यूज बनाता है, हेल्प करता है हमारे मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में, और हमें डिसीजेस से बचाता है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर आपको पता है, वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में शरीर में हेल्प करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड टू द सेल, जो ऑक्सीजन है हमारे सेलों पे कैसे जाती है, वाटर की हेल्प से जाती है। और जो वाटर है डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग डाइजेशन विदाउट वाटर के नहीं कैरी की जाती। अब क्वांटिटी की बात करें तो एक पर्सन को नॉर्मली 1.5 लीटर to 2.5 लीटर वाटर पीना चाहिए। इंक्रीज द नीड फॉर वाटर में भी इंक्रीज और डिक्रीज है अकॉर्डिंग टू वेदर होता है। फॉर एग्जांपल गर्मी में हम ज़्यादा पानी पीते हैं और सर्दियों में हम लेस वाटर पीते हैं। और हमें हमेशा ड्रिंक साफ़ सुथरा और साफ पानी हमेशा पीना चाहिए। फिल्टर वाटर है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। फंक्शन की बात करें, हमने भी पढ़ा है जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारा जो डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को क्लीननेस में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी को ड्राइनेस से बचाता है। अगर इसकी हमें कमी हो जाए, मीन्स अगर हम पानी ना ले तो उसके कारण हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्किन लमकने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, हमारा कॉन्स्टिपेशन का जो है उसका लोग शिकार हो जाते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है। डेफिशिएंसी के कारण लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और समटाइम जो पीपल है इसके कारण मर भी जाते हैं, और समटाइम किडनी डिसऑर्डर भी हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी वीक ना बने और लथार्जिक मीन्स आलसी ना बने। हार्मफुल अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण हमारी किडनी पे ओवरबर्डन आ जाता है, और समटाइम हमारे हार्ट को, हमारे अदर सिस्टम को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क एज अ कम्प्लीट फूड। आपको पता है मिल्क को एज अ कम्प्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर इसे हम कम्प्लीट कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन इन द मिल्क, सिर्फ इसमें कैल्शियम आयरन एंड विटामिन सी नहीं होता, ठीक है। मिल्क में और सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए हमें नेसेसरी रोज रेगुलर ही मिल्क पीना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मिल्क से हमें कर्ड मिलती है, बटर मिल्क बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, खोआ बनाते हैं,
ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को मसल्स बनाता है, हमारे हेयर्स को हेल्थी करता है, हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, ये हमारी बोन्स को टीथ को हेल्थी बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर करता है सेल की, ठीक है। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस को भी इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस फॉर द फूड प्रोसेसिंग, कि हमें खाना कैसे लेना चाहिए उसके बारे में है। हम सारे जो फूड्स हैं हमें वो रो नहीं ले सकते, कुछ फूड्स को हमें पका के भी खाना पड़ता है, इसके बारे में है, ठीक है। फर्स्ट है, अगर हम फूड कुकिंग फूड करते टाइम खाना बनाते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में है। किचन हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो वूमेन है जो खाना बना रही है उसके जो नेल्स होने चाहिए कट एंड क्लीन होने चाहिए, और हमें हमेशा खाने खाने से बनाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें हमेशा हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। जो यूटेंसिल जिस बर्तन पे हम खाना बना रहे हो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ब्रास इंटेलिजेंस शुड बी टिंट करना चाहिए, ठीक है। वाइल्ड कुकिंग फूड है हमें उसे कवर करना चाहिए, अपने हेयर्स को भी प्रॉपरली टाई करना चाहिए, ठीक है। हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर डालना चाहिए पानी खाने में। हमें डू नॉट यूज़ बेकिंग सोडा पाउडर, हमें बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फूड में जो विटामिन बी को डिस्ट्रॉय कर जाता है, ठीक है। हमें हाई फ्लेम्स पे ज़्यादा टाइम तक फूड को नहीं बनाना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है जो फूड में जो विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। हमें रेड चिली का यूज़ नहीं करना चाहिए एक्सेस क्वांटिटी में। हमें प्रॉपरली फूड कुक्ड करना चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल यूज़ करने से पहले उसे प्रॉपर कटिंग करनी चाहिए, उसे प्रॉपर धोना चाहिए, ठीक है। होल फ्लोर को हमें क्या करना चाहिए, बेटर होता है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जब भी हम फूड को कीप द फूड कवर्ड वाइल कुकिंग एंड कुक्ड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड एज वेल, जब हम खाना बना रहे होते हैं उस टाइम भी जो हमें फूड को अच्छे से कवर करना चाहिए और उसके बाद भी, ठीक है। वेजिटेबल्स को उस साइज में कट करना चाहिए जो कि कुक हो जाए इजीली, ठीक है। डिप द पल्सेस एंड राइस इन द वाटर, जब भी हम खाना अगर हम पल्सेस बना रहे, दालें बना रहे, चावल बना रहे, उसे हमें पानी में सोक करके थोड़े टाइम के लिए रख देना चाहिए, और उसका जो पानी है उसे हम उसे हमें थ्रो अवे नहीं करना चाहिए बल्कि उसको हमें किसी और चीज़ों में उपयोग करना चाहिए। कुकिंग फूड है, मैनी फूड आइटम बिकम वर्थ ईटिंग ओनली जब उसे कूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें पल्सेस आ जाता है, ग्रीन्स आ जाता है, वेजिटेबल होता है। फूड हम बहुत टाइप्स में होते हैं, समटाइम हम आग जला के करते हैं, समटाइम हम बेक करते हैं, समटाइम हम क्या करते हैं बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं, ये डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फूड है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ईटिंग फूड को ईट करते समय, आपको पता है इंपॉर्टेंट रोल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल तो यही है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए हमें। अगर गर्ल्स है अगर उसके नेल बड़े हैं तो उसे नेल्स साफ रखने चाहिए, अगर नेल्स बढ़ाए हैं तो उसे क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो नेल्स कट कर देने चाहिए। ऑलवेज हैव योर फूड एट फिक्स टाइम, जो भी फिक्स टाइम है अपना फूड के लिए फिक्स टाइम रखो कि इस टाइम पे आपने खाना खाना नहीं चाहिए, वो अपने टाइम फिक्स करना चाहिए। फूड हमें एडुकेट क्वान्टिटी में लेना चाहिए, हमें ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा फूड खाना चाहिए, ठीक है। फूड शुड भी न्यूट्रिशंस होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रेंट और ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फूड को हमें अच्छे से प्रॉपरली चो करना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी हैप्पी, जब भी हम फूड खा रहे हो हमें खुश होना चाहिए खाते रहो, और कभी भी बात नहीं करनी चाहिए ना ही टीवी देखना चाहिए। नेवर टेक स्टेल फूड बिकॉज हमें कभी भी बासी या फिर बदबूदार खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें से बदबू आ रही है, सड़ चुका हुआ खाना नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके कारण हमें फूड पॉइजन हो जाती है, ठीक है। खाने खाने के बाद हमें एक थोड़ी देर के लिए आराम लेना चाहिए, ठीक है। और जो अगर आप डिनर ले रहे हो तो डिनर सोने से 2 घंटे पहले लेना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है डू नॉट टेक हॉट एंड कोल्ड, ऐसा साथ आपने ठंडा और गर्म फूड सभी भी साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब वी शुड नॉट एक्सरसाइज और डू योगा और फिजिकल, अगर आप खाना खा रहे हो खाना खाने के बाद बिल्कुल भी आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यूज़ हमेशा क्लीन यूटेंसिल यूज़ करने चाहिए, जब भी खाना खा रहे हो तो आप स्नीज मत करो, हमेशा लेस स्पाइसी फूड खाओ, कभी भी नेवर ईट डीप फ्राइड फूड, कभी भी डीप फ्राइड तला हुआ खाना मत खाओ, ठीक है। वी शुड टेक फूड, वी शुड नॉट टेक दैट टाइप ऑफ द फूड डेली, इंस्टेड हमें सेम टाइप ऑफ द फूड डेली नहीं खाना चाहिए बल्कि हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए। वी शुड नॉट ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल हमें कभी भी मिल्क एंड लेमन को इकट्ठे करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट है हमेशा वॉश करके खाने चाहिए, और अपने मुँह खाना खाने के बाद अपना मुँह और अपने दांत क्या करने चाहिए, साफ करने चाहिए। ये था आपका चैप्टर, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं।
फूड आपको पता ही है, फूड वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। न्यूट्रिशियस फूड जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हम पढ़ कर आए, ये पूरा बैलेंस डाइट वही होता है जो कि जिसमें ऑल सारे न्यूट्रिएंट राइट प्रोपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन? प्रोटीन अभी हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स के ऑफ न्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमने टाइप्स ही पढ़े हैं, वेजिटेबल प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन भी अभी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स भी अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो आपको अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चन आंसर को समझने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन आंसर बनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आप में ये चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर से एक्सेस कोई क्वेश्चन नहीं है। अगेन है, टाइप्स ऑफ फैट्स क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ के हटे हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, वेजिटेबल्स एंड एनिमल फैट्स है, इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, मिल्क है, मिल्क आपको पता है कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक्सपेक्ट हमने दो एलिमेंट नहीं थे इसमें, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे फूड में होते हैं। जो चाइल्ड होता है, जो ग्रो हो रहा होता है, मीन्स जो बच्चा होता है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें ये बताया कि जो मिल्क है वो भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है कि हमने फूड को कैसे कुक्ड करना, उसका भी हम पढ़ के डिटेल में पढ़ के आए हैं। हमने 13 से 14 पॉइंट पढ़े हैं कि कैसे हमें फूड करना चाहिए। अगर हम बेस्ट फूड मेथड बताएं तो सबसे बेस्ट फूड मेथड क्या होता है, बॉयलिंग। ठीक है, हम जब हम क्या कहते हैं, कुकिंग विद द स्टीम, जो हमारा बेस्ट फूड मेथड माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो फूड के एसेंशियल जो न्यूट्रंस होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। कैसे हमने फूड लेना है इसके बारे में भी हमने पढ़ के हटे हैं। ठीक है, नाउ रफिश पढ़ के हटे, वाटर पढ़ के हटे, मिनरल्स एंड कुकिंग फूड तो आपने किया ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सारा। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।